अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ग्रुपिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुपिंग्स. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस टर्म्स लाइक G7, G4, सो डिफरेंट ग्रुपिंग्स दैट हैव बीन मेड अक्रॉस द वर्ल्ड. वट आर द पर्पस ऑफ दोज ग्रुपिंग्स, हाउ दे आर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ऑल दीज थिंग्स विल बी आस्ड फ्रॉम दिस सेगमेंट. इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. सो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US, यूरोपियन यूनियन, इफ दे कम आउट विथ सर्टन पॉलिसी, हाउ विल इट अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट, डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल टर्की. इफ इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेडिकल, हाउ विल इट अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट. ऑल सच थिंग्स विल कम इन दिस सेगमेंट. देन वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस आर द इंडियन डायस्पोरा. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ डायस्पोरा, द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और पीपल और द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इट सेल्फ लिविंग अब्रॉड आर नोन एज इंडियन डायस्पोरा. सो दे आर सो मेनी NRIs, आई होप यू मस्ट बी नोइंग, हु आर इंडियन सिटीजन्स बट स्टेइंग अब्रॉड फॉर सम पर्पस लाइक एजुकेशन और फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दे आर पार्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा. और द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेइंग आउटसाइड, दे आर इंडियन डायस्पोरा. एंड डायस्पोरा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेपिंग अप फॉरन पॉलिसीज. डायस्पोरा हेल्प्स इन सेपिंग अप अ फॉरन पॉलिसी इन द फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडियन डायस्पोरा इज वेरी स्ट्रांग इन US, यू मस्ट द मोमेंट आई टॉक अबाउट इंडियन डायस्पोरा इन US, वो नेम्स लाइक सुंदर पिचाई, सत्य नडेला विल कम अक्रॉस योर माइंड. सो दीज डायस्पोरा, दो दे आर स्टेइंग इन US, नाउ दे आर इन US सिटीजन, स्टिल दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेपिंग द फॉरन पॉलिसी ऑफ US इन फेवर ऑफ इंडिया. सो डायस्पोरा ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन फॉरन रिलेशंस. देन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO, यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, तो डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉरम्स, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट. सो दीज आर द फोर और फाइव बेसिक सेगमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस गिवन अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस. अब यू सी, दीज माइट बी जस्ट फाइव टॉपिक्स, इज माइट बी जस्ट फाइव टॉपिक्स, बट ईच टॉपिक इट्सेल्फ, ईच टॉपिक इट्सेल्फ कैन बी एन एरिया ऑफ रिसर्च फॉर अ रिसर्च स्कॉलर. एंड अ रिसर्च स्कॉलर माइट स्पेंड हिज एंटायर लाइफ टाइम स्टडिंग दीज एरियाज. एंड इवन विद इन दिस इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, दे आर सो मेनी स्कॉलर्स हु स्पेंड देयर एंटायर लाइफ टाइम स्टडिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और इंडिया भूटान रिलेशंस. दैट मीन्स ईच एंड एवरी टॉपिक, दो दे अपीयर वेरी स्मॉल, बट दे आर वेरी वास्ट, because there can be different perspective. For example, from India-Bhutan relations itself, India-Bhutan relations, there might be different perspective in India-Bhutan relations. There might be historical relations. Ab history itself is undefined. History from what era? From ancient time. There can be cultural perspective. There can be economic perspective. कि हाउ इंडिया भूटान कोलैबोरेट्स ऑन इकोनॉमिक इशूज, देयर कैन बी पॉलिटिकल परस्पेक्टिव. सो देयर कैन बी पॉलिटिकल परस्पेक्टिव कि हाउ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड भूटान आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर. सो देयर कैन बी सम ग्लोबल इवेंट्स दैट कुड शेप इंडिया भूटान रिलेशंस. फॉर एग्जाम्पल, चाइना फैक्टर, चाइनाज हॉस्टिलिटी विद भूटान, हाउ इट सेप्स इंडिया भूटान रिलेशंस. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, दैट वन पर्टिकुलर टॉपिक विद इन दिस टॉपिक, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी वास्ट, एंडलेस. इट कुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च इन इट सेल्फ. एंड दैट इज वाई हाउ टू प्रोसीड इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कि देन हाउ टू प्रोसीड, do we need to become a research scholar in each and every topic? The answer is no, you don't need to be a research scholar. How will we be proceeding? We will be developing general ideas
general ideas of everything. For example, what is diaspora, how or what role they are playing across the world, some examples, general ideas with some examples. For example, India-Bhutan relations. So some basic history, basic cultural ties, basic economic interaction, some basic things. Then apart from these general ideas, we will be focusing mostly on current developments. This I am saying on the basis of the questions that UPSC has asked in past years. On the basis of questions, we can say that mostly they are interested in the current developments, ki how Nepal's dispute with respect to Kalapani territory will impact India's relation with China. So because this was in news last year, I believe last year in May and June. So mostly the questions will be around those areas. They will not be asking what happened in 1996. They won't be asking that. So this is going to be the most important aspect. But just in order to develop a basic understanding so that you get to know things in right perspective, we need to cover this area, general ideas, where you will be seeing ki acha Nepal ka kya basic history raha hai, kya basic background raha hai. To ye jo hum topic aane wale 10 se 12 classes mein karenge, yahan pe hum log ye general ideas lenge on all these topics. But on the basis of general ideas, don't expect that most of the questions will be done, because most of the questions will come on current aspect. Most of the questions will be done on current aspect. So for 10 to 12 classes, we will be covering up general ideas, basic background, these things, what is IMF, how does it work. Then we will see some current issues associated to those particular topic. And then for last 3 to 4 classes, we will be focusing on the kind of questions UPSC has asked, because APSC is yet to conduct exam according to the new syllabus. So we will be focusing on the questions that UPSC has asked, and we will be attempting those questions. And one thing that you have to keep in mind while attempting those questions, you will see that if in 2014 UPSC has asked questions, for example, two questions in 2014 UPSC mains were regarding new development banks under BRICS. Two questions. Or one question, both, of course, the format was different. One question was like, new development bank can be an alternative to World Bank. The second question was like, this new development bank could be a milestone in developing cooperation amongst the BRICS countries. But two questions on new development bank. Why this? Because the exam of UPSC was conducted in December 2014. Exam of UPSC mains was conducted in December 2014, and BRICS summit of 2014 happened somewhere in June or July. There, these BRICS countries had agreed to set up a BRICS bank, also known as New Development Bank, that could be acting as an alternative to IMF or World Bank. So the point that I am trying to make, that now this New Development Bank is not so important, but it was very important. It was very, very important way back in 2014. 2020, last year itself, I mean, and the mains was conducted in January this year only of 2020 UPSC, they asked about Quad. You know, if you have been following my newspaper analysis, you know that how important Quad is in modern times, in present times. So in 2020 or 21, you expect questions from such areas, not from New Development Bank. Still, we will be doing those questions, but you have to appreciate. Every year you see the questions, if you develop that maturity, you will know that these things or these topics were hot topics in that year. Okay, for example, in 2016, they asked about India-Pakistan relations, Indus Water Treaty. It had to come. Our Prime Minister had given a statement that blood and water cannot flow simultaneously. So this question on Pakistan had to come.
Uri attack had happened, I believe, in 2016. So this question had to come in 2016. So similarly, now what we are going to do, we are going to cover these topics from their general perspective. We will get to know what these things are, what has been India-Bhutan relations, India-Pakistan relations, but the questions that will come will be mostly dynamic and current based. For example, I'm just making a guess here only, an exhaustive list. If a question has to come from India neighborhood relations, if I have to make a guess, India neighborhood relations, then India Myanmar is very hot topic, and you know why, because of the military coup in Myanmar. India Nepal is very hot topic. India Afghanistan is very hot topic. Why India Nepal is hot? Because of the territorial disputes between India and Nepal that was revived by Nepal last year. Why India-Afghanistan is important? Because yesterday only in newspaper analysis I was discussing that the US forces are now pulling out of Afghanistan. So now the entire dynamics between India-Afghanistan will change. India will have to realign its approach with respect to Afghanistan. Its policy of sandwiching Pakistan will no longer work in the current scenario. So if I have to guess some hot areas, hot topics from this particular first topic, India neighborhood relations, it is Nepal, it is Myanmar, it is Afghanistan, but it can be Sri Lanka also. But not so important development, but you know that Sri Lanka few days ago scrapped one port development agreement with India. India is forced out of that agreement. So it can come from Sri Lanka also. Pakistan is to anyway, any day important. But this is how you guess. And even if the question comes, they will not simply say explain India-Sri Lanka relations. They will ask that in the current scenario when the Sri Lankan government has decided to scrap a port development agreement with India, how should India proceed? So the question will be always current based, and you have to be very thorough with the current developments, and you have to be visionary that what steps India should take after this particular development, right? If I have to make some guess from the second topic, bilateral, regional and global groupings, agreements involving India or India interest. So global grouping mein, you can always say that G7 countries, G4 countries, OIC, they are very important in current times. OIC or Kashmir issue, last year I discussed कि हाउ पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, हाउ पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग टू लिवरेज अपॉन इट्स इस्लामिक आइडेंटिटी थ्रू ओआईसी टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू सेसेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एफएटीएफ कुड बी इम्पॉर्टेंट, राइट? इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, अगेन हियर द पॉलिसी ऑफ यूएस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. द पॉलिसी ऑफ यूएस इज टू पुल आउट of Afghanistan, policy of US to go for quad grouping, strengthening its position in Indo-Pacific. So it's not like these two topics are mutually exclusive. Here also Afghanistan, policy of US, here also policy of China, China's policy regarding its aggression in Galwan Valley. Of this could come here also, this can come here also. China's policy of threatening countries like Australia, right? And what will be its implication on India? Indian diaspora is a general idea, and in general they do not ask direct questions, but Indian diaspora is very important with respect to some countries like areas like West Asia. So Indian diaspora pe sawal pucha ja sakta hai COVID ko saath mein lekar ke, operations Setu Samundram, right? So इंडियन डायस्पोरा के लिए तो चलाया गया था ना. इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरम, यहां पे WTO इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, क्योंकि WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है. वहां पे सवाल पूछे जाने हैं इंडिया से विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर, तो वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है. और अगर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स की बात की जाए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए इस साल, तो आई बिलीव यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इम्पॉर्टेंट होने वाला है. क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इंडिया को इस बार
नॉन परमानेंट स्टेट की तरह मेंबरशिप मिल गई है यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 सालों के लिए, 2021 से 2022 तक, राइट। और ये इम्पोर्टेंट होने वाला, अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो आई 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 बिलीव कि यूनाइटेड नेशंस इस साल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 75 ईयर्स पूरे हो गए थे यूनाइटेड नेशंस के, तो उसके ऊपर पूरे दुनिया भर के लीडर्स ने एड्रेस किया था यूनाइटेड नेशंस को। तो हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के अभी तक के कंट्रीब्यूशन पे, अचीवमेंट पे सवाल पूछ लिया जाए। तो मुद्दा क्या है कि देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज थ्रू विच वी कैन स्टडी इंटरनेशनल इंडिया रिलेशन विद नेबरहुड कंट्रीज, बट वी विल बी स्टडिंग ओनली सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडिया रिलेशन विद नेबरहुड कंट्रीज, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज गोइंग टू बी दिस करेंट डेवलपमेंट्स, करेंट डेवलपमेंट्स कि कैसे हाल फिलहाल में क्या क्या चीजें हुई हैं, जो वाइड हमारा गेस एरिया होगा और वहीं से सवाल आएंगे ज्यादातर। तो अगर कोई इधर उधर का सवाल आ भी जाता है तो जनरल आइडिया से आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और करेंट डेवलपमेंट्स तो हम लोग एग्जॉस्टिवली कर ही रहे हैं। मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कुछ भी नहीं छोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस का। इस क्लास में हमारा बस काम ये होगा कि अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 1.5-2 सालों में जो मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया, उसको एक जगह कंसोलिडेट करके रख देंगे, और फिर आने वाले 6-8 महीने तक नए नए डेवलपमेंट्स देखते रहेंगे, और जब मेंस आ रहा होगा उसके पहले 8-10 दिन हम लोग वापस से कंसोलिडेट कर लेंगे कि पिछले 6 महीने में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, और इससे आपका मेंस में आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 20 में से आप मान के चलिए, 20 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस के होते हैं जीएस पेपर 2 में, और ये क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर इस अप्रोच से आप चलेंगे। तो अगर आप न्यूज़ पेपर एनालिसिस डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारी करेंट चीज़ें पता है, बस मेरे साथ अंत में बैठ के आपको उनको कंसोलिडेट कर लेना है अलग अलग सेगमेंट में, इन 4 पार्ट्स में, इस फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो सब आपको कंसोलिडेट कर लेना है, एंड यू विल बी ईजिली आंसरिंग दिस 5-6 क्वेश्चंस कमिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया इन जीएस पेपर 2। तो 100 से 120 सवालों का आंसर आप आराम से कर सकते हैं, प्लस जिन्होंने ऑप्शनल ले रखा है मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, उनको भी बहुत मदद मिलेगी आपका 2B सेगमेंट करने में। आपका पूरा का पूरा जो वो एरिया है लगभग 150 मार्क्स का, वो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपने इस एरिया को अच्छे से डेवलप कर लिया तो। सो दिस इज़ हाउ द सिलेबस इज प्रेस्क्राइब्ड इन UPSC। नाउ वी विल बी टेकिंग अप द फर्स्ट टॉपिक। एज आई टोल्ड यू इन कमिंग 10-12 क्लासेस द आइडियाज दैट वी विल बी डिस्कसिंग विल बी जनरल आइडियाज, एंड डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दोज आइडियाज, दे जनरली विल नॉट आस्क, बट येस nothing can be ruled out completely, there might be some questions, but these ideas will help you in writing a good answer, it will help you in understanding the general perspective ki what's going on around the world and how India has been placed in the international setup, these ideas will help you in understanding that, it will help you in writing a good introduction, it will help you in writing a good conclusion, but don't expect a direct question. For example, if I discuss today non-alignment movement, today itself or maybe tomorrow I will be discussing non-alignment movement. So don't expect a direct question from non-alignment movement. They are not going to ask because it's an old idea. Panchsheel, they are not going to ask because it's an old idea. These were Nehruvian policies. But it's still important for you to know, because then only you will have that comprehensive understanding, and it will help you in writing some good introduction of a question or a good conclusion. Nothing more than that, not a direct question. Direct questions will be current based, that we will be doing in the end. We will be consolidating what current developments have happened in past 1.5 year, and then again before mains, 15-20 days before mains, we will be again building upon that. So this is how we are going to proceed. Any question that you have to ask, or we can take up the first topic, quickly respond. Can we take the first topic? Can we start with the general ideas? Theek hai. सर हाउ आई कवर द करेंट डेवलपमेंट सर दिशा दिशा कलिता आज दिस क्वेश्चन दैट सर हाउ आई कवर करेंट डेवलपमेंट यू नीड नॉट टू कवर करेंट डेवलपमेंट्स यू नीड नॉट टू करेंट कवर करेंट डेवलपमेंट आई विल बी हेल्पिंग यू इन कवरिंग ऑल दोज करेंट डेवलपमेंट्स आप अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं मुझ पर एलिगेशंस लगाते हैं स्टूडेंट्स
कि सर आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड रहता है इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आप इतना डिस्कस करते हो, इतने डेप्थ में जाते हो। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में बस करंट बेस्ड सवाल ही आते हैं, आईआर इज़ कम्प्लीटली करंट बेस्ड। स्टूडेंट्स वो जो एलिगेशन लगाते हैं वो शायद से उन्होंने यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि एपीएससी भी यूपीएससी के तरह ही सवाल पूछेगा, तो मैं इसीलिए इतना करंट टॉपिक्स कराता हूँ। कल ही मैं अफगानिस्तान के इशूज़ को कितना डिटेल में डिस्कस कर रहा था। तो मुद्दा यह है कि मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑलरेडी मैंने तमाम करंट चीज़ें करा रखी हैं, जो कुछ भी संभव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्री से लेकर के सऊदी अरबिया, पाकिस्तान का एंगल ऑन इंडिया, हर चीज़ कराया है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, 10 क्लासेस में बेसिक आइडियाज़ बताऊँगा, आने वाले 5 क्लासेस में ये सारे करंट इशूज़ कराऊँगा, पिछले 1.5 साल के जो भी करंट डेवलपमेंट्स हुए सब मैं कराऊंगा यहीं पे 5 क्लासेस में, और अभी तक के सबको कॉन्सोलिडेट कर लेंगे। फिर आपके मेन से पहले, बीच में तो आप मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस रोज़ देख ही रहे होंगे, मेन से पहले फिर से जो भी इन 6 महीनों में जो चीज़ें डेवलप हुई हों उनको भी कॉन्सोलिडेट कर लेंगे। तो मुद्दा यह है कि करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा और कोई नहीं कराएगा, और मैंने जितना कराया है आप देख लो अभी तक न्यूज़पेपर एनालिसिस में वो बहुत ज़्यादा है। उसको अगर आप समझ लो तो आप कोई भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दिशा? यस प्रणय आस्क कि सर आर वी गोइंग टू डू आंसर राइटिंग साइमल्टेनियसली? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू आंसर राइटिंग साइमल्टेनियसली। मेंस की तैयारी बिना आंसर राइटिंग के हो ही नहीं सकती, ये दीज आर मेंस टॉपिक्स, सो मेंस आंसर्स कुड नॉट बी डन विदाउट, मेंस सिलेबस शुड नॉट बी डन विदाउट साइमल्टेनियस आंसर राइटिंग। सो आज से ही आंसर राइटिंग हम शुरू कर देंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन द पिक्स ड्यूरिंग द क्लास? नो, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, जो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स बता रहा हूँ वो लिखते चल सकते हो रफ तरीके से। मान लो कि मैंने बताया कुछ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे ऐड करने का मन हो गया, तो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, उसको लिख सकते हो, बट ये जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, आपके पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास बनेगी, उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके पीडीएफ अपलोड कर दिए जाएंगे। सर इज देयर एनी स्टडी मटेरियल अवेलेबल फॉर आईआर? क्या बात करते हो यार रोहन दास, नो स्टडी मटेरियल इज नीडेड। अरे मैं जब करा रहा हूँ ना, मैं जो भी नोट्स दूंगा दैट इज आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट दैट इज गोइंग टू बी मच मच मोर देन सफिशियंट। ठीक है रोहन, मैं जो भी स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ वो काफ़ी है, और कुछ खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो मुद्दा ये है कि जो भी यहाँ पे मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये आपके पोर्टल में अपलोड हो जाएगा, क्लास 1, क्लास 2 ऐसे करके अपलोड हो जाएगा, क्लास 1 का पोर्टल, क्लास 2 का पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। अभी के लिए पूरा का पूरा प्रिंटेड नोट्स एक बार आपके घर पे पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बाद में ये पूरा का पूरा नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में, स्टडी मटेरियल के फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। तो अभी के लिए आप पीडीएफ में पढ़ेंगे, लेकिन ये पीडीएफ आप सर्कुलेट नहीं करेंगे, ये नहीं कि इधर उधर इरेस्पॉन्सिबल तरीके से बांटते फिर रहे हैं कि कोई भी मिला उसको ले लीजिएगा, अरे यार ये देख लो एसपीएम का नोट्स बड़ा अच्छा है आईआर का, ऐसा मत कीजिए। जो आपका एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसको लूज मत कीजिए। ये बहुत मेहनत से ये सब नोट्स बनाए गए हैं, एक जगह कॉन्सोलिडेट किए गए हैं, आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, सो डोंट वेस्ट दैट। ओके चलिए, सर द आज के सर विल इट हेल्प इन, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन एपीएससी 2022 एज वेल। मैं करंट अफेयर्स छोड़ता थोड़ी हूँ, मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस तो रोज ही चलता है कि नहीं? तो जब 2022 का यूपीएससी आएगा या एपीएससी आएगा तो ये बेसिक कंटेंट तो आपका जो 10 क्लासेस में हम करने वाले हैं वो तो है ही है, प्लस उस टाइम तक का जो भी करंट अफेयर्स है वो मैं करा दूंगा फिर से, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में तो मैं रोज ही करता हूं ना, उसी चीज को कंसोलिडेट करके आपको दे दूंगा। सर एपीएससी का आईआर में व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग? ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ रफ आइडिया पूछ रहे हैं कौशिक के। सर एपीएससी में किस तरह के सवाल पूछेगा? जिस तरह का यूपीएससी पूछता रहा है आप मान के चलिए एपीएससी भी वही पूछेगा। एपीएससी या तो पुराने यूपीएससी के, जो 2013 से नया पैटर्न पे सवाल आ रखा है यूपीएससी का, 2013 से तो उन्होंने ये सब नया सिलेबस लिया है ना, 2013 से 2020
आठ पेपर हुए हैं यूपीएससी के, या तो वो इन्हीं के क्वेश्चंस को रिपीट करेगा थोड़े अलग फॉर्मेट में, या जिस तरह का सवाल यूपीएससी पूछता है करंट डायनेमिक्स करंट बेस्ड सवाल वो पूछेगा। वो कौशिक का सवाल है कि सर एपीएससी कैसा सवाल पूछेगा, तो या तो जो यूपीएससी पिछले आठ सालों में सवाल उसने पूछे उसी सवालों को थोड़ा बदल बदल के पूछेगा, और नहीं तो फिर जिस तरह से यूपीएससी पूछता है कि जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उनके हिसाब से सवाल पूछे, जैसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड दैट इज अ करंट डेवलपमेंट, तो हो सकता है कि एपीएससी भी अपने आप को अपग्रेड करे और डायनेमिक सवाल पूछे। तो हम क्या करेंगे, हम यूपीएससी के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी सारे करेंगे, लेकिन यूपीएससी के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने से आप उम्मीद मत कीजिए कि यूपीएससी में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। साथ ही साथ हम करंट डायनेमिक्स बेस्ड सवाल भी करेंगे, करंट डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उससे बेस्ड सवाल भी करेंगे, और आपको जहां से कंपेयर करना करके आप देख लो, जितना मैं करंट डायनेमिक्स कराता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस का, फॉरगेट अबाउट आसाम में और कहीं भी, यू गो एंड कंपेयर वेयर एवर यू वांट टू, पर आपको पता लग जाएगा कि मैं करंट डायनेमिक्स आईआर का बहुत सारे एस्पेक्ट से कराता हूं, सो इट इज मच मोर देन सफिशियंट, इससे ज्यादा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यही दो तरह के आ सकते हैं, पास्ट यूपीएससी के सवाल या फिर करंट डायनेमिक्स, वो दोनों ही मैं यहां पे करा दूंगा। अब ये मेटाफिजिकल सवाल ना पूछो मुझसे कि सर एपीएससी का एग्जाम कब होगा, हाउ डू वी नो, अभी तो ये सेकेंड वेव को दबाया जाएगा, फिर जब चीज़ें कंड्यूसिव होंगी तो एग्जाम होगा, इसका जवाब कोई कैसे दे सकता है, सो देर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दैट कि एग्जाम कब होगा, राइट। अभी सेकेंड वेव कब सब ड्यू होगा, कैसे कब कंड्यूसिव माहौल बन पाएगा, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि एग्जाम कब होगा। मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि हमारे जो नए सीएम साहब हैं, मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूं, जब आपने यह सवाल पूछा है कि सर एग्जाम कब होगा, तो मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जो हमारे नए सीएम साहब हैं ही इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट एपीएससी और कि एग्जाम बिल्कुल टाइमली हो। उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही यह मुद्दा डिस्कस किया है कि एपीएससी का एग्जाम किस तरह से बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया जाए, रेगुलर बेसिस पे कराया जाए, ठीक है। और उसके बाद से आप मान के चलिए कि चूंकि उनका खुद का पर्सनल इंक्लिनेशन है कि एग्जाम बिल्कुल टाइमली हो और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी टाइमली हो, तो आप मान के चलिए कि अगर माहौल ठीक रहा, इन्वायरमेंट कंड्यूसिव रहा, तो एग्जाम सब टाइमली होंगे। लेकिन अभी ऐसे सिनारियों में तो कुछ भी कहना संभव नहीं है किसी के लिए भी। मैं क्या कहूंगा, इवन द चीफ मिनिस्टर कैन नॉट से कि एग्जाम कब होगा, सो हु एम आई टू से कि एग्जाम कब होगा, यू नो द सिनेरियो अराउंड यू, राइट। चलिए लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। सो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को समझने से पहले फॉरेन पॉलिसी की एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर फॉरेन पॉलिसी होती क्या चीज है। सो इट इज डिफाइंड लाइक दिस, अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज बेसिक आइडिया दैट आई टोल्ड यू वी विल बी डिस्कसिंग, लेकिन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कोई नहीं पूछने जा रहा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज टू डील विद फॉरेन कंट्रीज, तो जो बाकी दुनिया के तमाम फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ हम कैसे डील करें, वो सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको कहते हैं एक साथ मिला करके हम लोग फॉरेन पॉलिसीज। तो आप देखिए फॉरेन पॉलिसी बनाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू सेफगार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट, कि जो हमारे देश के इंटरेस्ट हैं, हमारे खुद के इंटरेस्ट हैं, वो सेफगार्ड रहे, उनको बेस्ट तरीके से हम प्रोटेक्ट करके रख पाए, राइट। तो अब नेशनल इंटरेस्ट अपने आप में एक वेग टर्म हो गया। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या, देश का इंटरेस्ट मतलब क्या, एक आम आदमी का इंटरेस्ट तो आप बोल सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट हो सकता है पैसा, पावर, जो भी हो सकता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। देश का इंटरेस्ट की बात क्या, तो नेशनल इंटरेस्ट कुड बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट मैनर्स और डिफरेंट फॉर्मेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी, जो हमारा देश है उसकी जो टेरिटरी है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई फॉरेन कंट्री घुस ना जाए हमारे टेरिटरी को, कहीं से भी कोई नुकसान ना हो, दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट।
इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे, जीडीपी बढ़ता रहे, ग्लोबल इकोनॉमी से हम ज़्यादा ज़्यादा फायदा उठाते रहे, दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट। ह्यूमन सिक्योरिटी, हमारे देश के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, कहीं से कोई अटैक ना हो जाए, उनके लाइफ पे, उनके इकोनॉमिक फिजिकल मेंटल ग्रोथ पे कोई लिमिटेशन ना आए, दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज ह्यूमन सिक्योरिटी। इंटरनेशनल स्टेचर, हमारे देश का ओवरऑल, हमारे कंट्री इंडिया का ओवरऑल इंटरनेशनल फोरम पे स्टेचर बढ़ता रहे, वेट बढ़ता रहे, कि जब भी हम कोई बात चाहें तो इंटरनेशनल फोरम्स में, चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे WTO हो, वहां पे अपनी बातों को मनवा सकें। तो दैट इज अनदर वे ऑफ सेफ गार्डिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट, और इट इज अ काइंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन इटसेल्फ कि हमारा वेटेज ग्लोबल फोरम्स में बढ़ता रहे। तभी तो हम कोशिश करते हैं कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री मिल जाए, हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की तरह एंट्री मिल जाए। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज आवर इंटरनेशनल स्टेचर। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉरेन पॉलिसी का, वो है सेफगार्ड ऑफ इंडियन डायस्पोरा। जो भी हमारे इंडियन मूल के लोग बाहर रह रहे हैं उनका ओवरऑल फिजिकल और इकोनॉमिक सेफगार्डिंग करना, ये हमारा फॉरेन पॉलिसी के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। तो क्या है फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी और सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट इंडिया एज ए कंट्री डेवलप्स, ताकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। और नेशनल इंटरेस्ट के अलग 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 डायमेंशंस हो सकते हैं, राइट? दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अभी देखिए, हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी उसका फॉरेन प्रिंसिपल, फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल हैज बीन रिटेन इन आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल और पॉलिसीज में अंतर क्या होता है, ये आप हैं, आपके अपने खुद के कुछ सिद्धांत होंगे कि मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, तो ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स। और इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आपने कुछ पॉलिसीज अपनाई कि मैं हर महीने अपने सेविंग का 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करूंगा चैरिटी में। सो प्रिंसिपल्स आर द वैल्यूज, द बेसिक आइडियाज दैट गाइड्स योर एक्शंस, एंड पॉलिसीज आर मैनिफेस्टेशन और आउटवर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्रिंसिपल्स। सो फॉरेन पॉलिसी एक चीज होती है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी, सो वो बहुत कंक्रीट होगी, दैट इज विल बी वेल डिफाइंड कि इंडिया हैज अ फॉरेन पॉलिसी और इंटरेस्ट इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एंड दैट इज मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दैट इज पॉलिसी, दैट इज अ कंक्रीट अप्रोच, दैट इज अ टेंजिबल अप्रोच, वाइल प्रिंसिपल्स आर द गाइडिंग आइडियाज, गाइडिंग वैल्यूज दैट ओवरऑल डिटरमाइंस की वट काइंड ऑफ पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड बाई अ कंट्री। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फॉरन प्रिंसिपल्स एंड फॉरन पॉलिसीज, एंड वट शुड बी इंडियाज प्रिंसिपल्स वाइल फॉर्मुलेटिंग फॉरन पॉलिसी हैज बीन मैंसनड इन आर्टिकल 51। आई होप यू ऑल नो बाई नाउ दैट आर्टिकल 51 इज पार्ट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज क्लियरली कि द स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइल फॉर्मुलेटिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी शुड कीप सर्टेन आइडियाज इन द माइंड। दीज आर सम प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एंड दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन मैंसनड अंडर DPSP आर्टिकल 51 दैट सेज दैट प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो दुनिया भर में आपकी जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि पूरे दुनिया भर में पीस और सिक्योरिटी प्रमोट हो, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। तो अलग अलग देशों के बीच में जो भी संबंध है वो जस्ट हो, ऑनरेबल हो, इट शुड नॉट बी ह्यूमिलिएटिंग रिलेशंस विथ एनी कंट्री, राइट? फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉज बन रहे हैं उनको रेस्पेक्ट किया जाए, उनको कभी ब्रीच ना किया जाए। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाई आर्बिट्रेशन, अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है दो कंट्री के बीच में तो डू नॉट यूज फोर्स टू सेटल दैट डिस्प्यूट, ट्राई टू यूज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाइए, चाहे ICJ में जाइए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हो गया कुलभूषण जाधव को लेकर के,
तो इंडिया वेंट टू आईसीजे कि भाई आपने वियना कन्वेंशन को वायलेट करा है, ऐसा नहीं कि इंडिया यूज्ड इट्स फोर्स, सो दैट कुड बी एक्सप्लेन थ्रू दिस इनकरेक्ट सेटलमेंट थ्रू इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। नाउ टेक माय वर्ड्स, ये सब बस ज्ञान की बातें तो एक तरफ है, हाउ टू यूज आर्टिकल 51 इफ यू आर राइटिंग अ आंसर ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चार सवाल अगर आए हैं, कम से कम एक सवाल का कंक्लूजन, कंक्लूजन पार्ट में आप आर्टिकल 51 का इस्तेमाल करेंगे। देखो, करने को आप आर्टिकल 51 का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी आईआर के सवाल में कर सकते हैं, लेकिन हर सवाल का एंडिंग एक जैसा हो तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, नंबर काट लेगा, ठीक है, नंबर काट लेगा। लेकिन एक सवाल में आर्टिकल 51 का कंक्लूजन में इस्तेमाल करना या दो में कर लेना एट मैक्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया श्रीलंका पे सवाल आ जाए तो सब कुछ लिखना है कि इंडिया का ये करंट पॉलिसी रहा है श्रीलंका को लेकर के, फिर कंक्लूजन में लिख लेना फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51 टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन, इंडिया हैज फ्रेम्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। सो आर्टिकल 51 का आईआर में बेस्ट इस्तेमाल होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बेस्ट इस्तेमाल होता है, किस चीज के लिए, कंक्लूजन के लिए। यहीं लिख लो, इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, इसको मैं बाद में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आर्टिकल 51 का हर सवाल में मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। कोई भी सवाल हो उसमें से किसी एक एस्पेक्ट को उठा लेंगे, इसको रट लेना पहले चारों डायमेंशन ऑफ आर्टिकल 51 के, किसी एक डायमेंशन को उठा के बोलेंगे जैसे आर्टिकल 51 में कहा गया है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मोर डेमोक्रेटिक मोर इंक्लूसिव। तो आर्टिकल 51 इतना डायनेमिक है कि हर आईआर के सवाल के कंक्लूजन में आपकी मदद कर देगा।